अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके सो हम लोग कर रहे थे एनवायरनमेंट में वाटर वाटर हमने खत्म कर दी और अब हम स्टार्ट करने लगे एयर एयर। और इसके बाद वाले टॉपिक्स हम बहुत जल्दी हो जाएंगे, मतलब ये इस पूरे वीडियो में इंशाल्लाह एयर पूरा कवर कर लेते हैं। और इसके बाद सॉइल है, नॉइज़ है, और फिर आपका सेनेटरी का एक टॉपिक है, दैट्स इट। मेट्रियोलॉजी है बीच में थोड़ी सी। अच्छा, स्टार्ट करने में हमारे पास इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, छोटी छोटी सी बातें। जाहिर है सबको पता है कि एयर का जो मेजर कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन से बना हुआ होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पुरानी बातें, इसमें बहुत ज़्यादा पुरानी बातें रिपीट होंगी। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन हेल्थ में एयर का क्या रोल है, डेफिनेट सी बात है, हम जिंदा इसलिए क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। अगर सांस ही बंद हो जाएगा तो जिंदा ही नहीं होंगे। स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता तो लाइफ भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपका जो सारी रेस्पिरेशन है, आपका ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो एयर से आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स को मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो भी एयर से ही है। स्मेल करना, बात करना, सब कुछ एयर में, जो साउंड ट्रेवल करिए सब कुछ होता है एयर की वजह से। तो आप ये खुद से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन में क्वेश्चन आता होता है, इस वजह से आपने 5 पॉइंट्स याद रखने। वैसे तो कोई मुश्किल नहीं होता ये भी लिखना, एयर पोल्यूशन के जो कॉजेज हैं वो हम खुद से भी लिख सकते हैं, वही बातें होती हैं, लेकिन बुक वाला ही लिखेंगे ताकि आपको मार्क्स सही से मिले, ठीक है। कॉजेज में पहला जो कॉज है, चेंजेस ड्यू टू रेस्पिरेशन। ऑफकोर्स ये बात है कि हर बंदा जब एयर को जो सांस ले रहे हैं हम, उसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल करते हैं वो जाहिर है आपकी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को ज़्यादा कर देती है। तो अगर एक इलाके में जहाँ पर पौधे नहीं है, जहाँ पर प्लांट्स नहीं है, क्योंकि प्लांट्स ने उस ऑक्सीजन को दोबारा से बनाना है ना कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके, वहाँ पर सांस लेने की वजह से भी वो एयर कार्बन डाइऑक्साइड से पोल्यूट हो जाएगी, ज़्यादा पोल्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो एयर है उसमें रेस्पिरेशन की वजह से भी चेंजेस आते हैं। उसके अलावा जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं रेस्पिरेशन की वजह से एयर में, वो ये है कि एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। हम जो सांस लेते हैं, आपने देखो कि एक कमरे में अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो वो कमरा गर्म होता है, इसलिए क्योंकि सांस लेने से भी भाप बनती है, गर्मी आती है, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमिडिटी एयर में आ जाती है, उसकी मूवमेंट में फ़र्क आता है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो रेस्पिरेशन की वजह से हो रहे हैं, और रेस्पायर हर बंदा कर रहा है, हर ऑर्गेनिज्म इवन कर रहा है, बंदे भी नहीं, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं। तो एयर की पोल्यूशन की एक वजह रेस्पिरेशन है, लेकिन ये कोई ऐसी वजह नहीं है जिसको काउंट किया जाए, बिकॉज ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि रेस्पायर के बगैर कोई रह नहीं सकता। सिर्फ उसके लिए आपने जो करना होता है वो ये कि उस इलाके में प्लांट्स होने चाहिए ताकि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूटिलाइज कर लें प्लांट्स, और ऑक्सीजन को रिलीज कर लें, ठीक है। जो आगे वाली चीज़ें हैं जो पोल्यूटेंट्स हैं मेनली मसला वो करते हैं। जो अगला टॉपिक है चेंजेस ड्यू टू कम्बस्शन। अब कम्बस्शन क्या हो रही है, एक जो हम हमारे घर में कम्बस्शन का यानी चूल्हा जलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज होती है, क्योंकि हर चूल्हा चाहे वो आपका लकड़ियों से जला रहे हो, चाहे आप सुई गैस से जला रहे हो, हमेशा जो आग का धुआं होता है वो आपकी एयर को पोल्यूट कर रहा होता है। तो एक कम्बस्शन चेंजेस जो आपके डोमेस्टिक लेवल पे हैं वो भी हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो इल्यूमिनेट सिस्टम के बाद जो हमारी चीज़ है वो ये है कि जो हम जलाने के लिए जैसे आपकी कोयला इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं आपके, मतलब ये जितने भी आपके इल्यूमिनेंट्स होते हैं उसमें जितने भी ऐसी चीज़ें जो कि हवा को पोल्यूट कर रही हैं वो भी इसमें शामिल आ जाएंगे कम्बस्शन में, ठीक है। और तीसरा आपका जो मोटर व्हीकल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एयर पोल्यूशन का। जितनी भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल से लेकर बड़ी तरीन गाड़ी है या ट्रक या जो भी, वो हर चीज़ धुआं आपका एनवायरनमेंट में रिलीज करती है और वो पोल्यूटेंट है, ठीक है। फिर है आपके पास इसके बाद है जी डस्ट एंड बैक्टीरिया। ऑफकोर्स हमारी इन्वायरमेंट में एयर में बैक्टीरियाज भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि जो आपके एयरबोर्न ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। डस्ट होते हैं, डस्ट में पोलन होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एलर्जिक होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एयर को पोल्यूट कर रही हैं हमारी एटमोसफेयर में, ठीक है। सूट है, सिलिका है, डीकेइंग मैटर है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आके इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडस्ट्रीज में से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हवा में धुएं रिलीज होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक्स जो आपके नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और इतने पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा में आ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ रहे हैं, ये सारे इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स में जाते हैं। ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन एंड एग्रीकल्चरल प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया था, फिजिकल कर दिए कि आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो होता है, यानी कि आपका जो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मवाद इकट्ठा हो जाता है उसको पहली बात तो जलाया जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है जो आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी बनता है, वैसे भी जो जलाते हैं आप बहुत ज़्यादा कूड़े को भी जलाया जाता है, उससे भी जो धुआं निकलता है वो भी जाहिर सी बात है कि पोल्यूटेंट है हमारी एयर के लिए। उसके अलावा जो क्रॉप्स पे स्प्रेज किए जाते हैं वो भी एयर में आपके पोल्यूटेंट के तौर पर जाते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो कैरी आउट किए जाते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है एयर में। तो ये सारे कॉजेज हैं, इन्हीं हेडिंग्स के साथ लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा बेहतर आएंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आता होता है, इफेक्ट्स क्या है पोल्यूटेड एयर के, कुछ आपके इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप किसी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एयर में सांस लेंगे तो एकदम से आपका नोजिया, वॉमिटिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इशू आना शुरू हो जाते हैं, सांस उखड़ने लग जाती है। सबसे पहले आप एयर को इनहेल भी करें, आपकी आंखों में भी जा रही है, आपकी नाक में भी जा रही है, ठीक है। तो उससे आपका एकदम से जो आपका चेंज आता है, नोजिया वॉमिटिंग तो लाजमी होता है, और उसके साथ आपको हेडेक होगा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ठीक है। लेट इफेक्ट्स में फिर आपके पास आते हैं कि पेशेंट्स को जो बहुत अरसे बहुत आपकी
इस किस्म की एयर में सांस लेते हैं जो पोल्यूटेड एयर है, जैसे हमारी भी इन्वायरमेंट कौन सा बहुत साफ सुथरी है, तो उनको फिर एयर रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, जिसमें आपका स्पेशली इंपॉर्टेंट आपका ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, लंग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपका टीबी वैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, लेकिन जहाँ पर पोल्यूशन होता है, जो तंग इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं, जहाँ पर हाइजीनिक एक्टिविटीज अच्छी नहीं होती, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा फ्लरिश करती हैं, ठीक है। उसके साथ एनीमिया, एनीमिया क्यों होता है, बहुत ज़्यादा आपको पता है हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है मेट हीमोग्लोबिन में, और इसकी एक वजह ये होती है कि हमारे पास जो नाइट्रेट्स होते हैं वो आ जाते हैं बीच में, ठीक है, तो अगर आपकी हवा में नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है तो वो भी आपको एनीमिया की तरफ लेके जा सकती है, ठीक है। बहरहाल उसके बाद ये इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जाहिर सी बात है कि हर प्लांट को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन बनाने के लिए, और बाकी पोल्यूटेंट से उस पर भी फर्क पड़ेगा, वो उनकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है, वो डिके होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं, एंड वगैरह वगैरह। अब ग्लोबल इफेक्ट्स में आते हैं हमारे पास ये तीन मेजर इफेक्ट्स जो है, ओजोन डिप्लीशन, एसिड ड्रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। वैसे तो आपका एक क्वेश्चन में इस तरह नहीं आता, लेकिन आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी, सारी पुरानी बातें आपको आती हैं तो याद रखने वो ये कि आपने इनकी प्रिवेंशन सबकी याद रखनी है, लिख खुद से भी सकते हैं जो आपको पता हो, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो होना है क्या चीज़ें, ये सारी पुरानी है, मैं रिपीट कर देती हूँ। ओजोन आपकी, आपको पता है कि O3 यानी ओजोन जो आपका मॉलिक्यूल है, उसने एक लेयर बनाई हुई है जो कि सारे आपकी अर्थ को सराउंड किया हुआ है, जिसने वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो सनलाइट में हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं ना, वो फिल्टर हो जाती हैं, वो अर्थ तक नहीं पहुंच सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होते हैं, जो हमारे एरोसोल्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स से रिलीज होते हैं, ACs हैं आपके जो एयर कंडीशनर, उनसे रिलीज हो रहे हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके एनवायरनमेंट में जाके ओजोन लेयर को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहे हैं, मोटर व्हीकल्स में से भी रिलीज होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहे हैं आपकी यूवी ओजोन की लेयर को डैमेज कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है सन की, ये डायरेक्टली आ जाती हैं अर्थ पे, और ये आपकी स्किन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत डैमेजिंग है, प्लांट्स के लिए डैमेजिंग है, कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है, मेलानोमा हो जाते हैं स्किन पे, तो ये इसलिए प्रॉब्लमेटिक है। तो हमें इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी एक ही प्रिवेंशन है वो ये कि जो चीज़ें आपकी एरोसोल स्प्रेज हैं, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर रही हैं, उनको कंट्रोल किया जाए और उनको रिप्लेस किया जाए उन चीज़ों से जो ओजोन फ्रेंडली स्प्रेज हैं आपकी हर जगह पर, क्या रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, मोटर व्हीकल, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इनका, ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी ओजोन। एसिड रेन, आपको पता है कि नॉर्मल रेन इज वेरी डिस्टिल्ड इन नेचर, लेकिन आपके पास जब इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, इन्वायरमेंट से मुराद है एयर में, तो क्या होता है कि जब पानी आएगा बारिश का, तो वो वाटर के साथ H2O के साथ कंबाइन करते हैं, तो H2O जब सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रस डाइऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है उसके साथ कंबाइन करते हैं, तो आपके एसिड्स बन जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये दोनों एसिड्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और इस बारिश में जब ये साथ शामिल हो जाते हैं तो उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं, हाईली डैमेजिंग है, एकदम से जला देती है, क्योंकि आप नॉर्मल तेजाब भी देखें, आप किसी जगह पर जाते हैं उस जगह जल जाती है, तो ये भी जला देती है एसिड रेन आपकी क्रॉप्स को, अगर स्किन पे पड़ जाए तो स्किन को, तो इस किस्म से, तो इसलिए हमारे लिए इसके लिए भी यही है कि हम ये चीज़ों को एनवायरनमेंट में कम करें, कंट्रोल करें उन जगहों को जो ये रिलीज कर रही हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, आपको पता है कि हमारे पास जो अर्थ से सनलाइट आती है वो अर्थ की सरफेस पे से, ये अर्थ की सरफेस है और ये सनलाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है, ठीक है, अभी जो रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही होती है उसको हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद गैसेस जो हैं वो ट्रैप कर लेती हैं, अगर वो ट्रैप नहीं करेंगी तो अर्थ का टेम्परेचर इतना ठंडा होगा, इतना कूल होगा कि वो रहने के काबिल ही नहीं होगी, सर्वाइवल के लिए पॉसिबल तभी है अर्थ, क्योंकि ग्रीन जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, यहाँ पे जो सनलाइट की एनर्जी जो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो इस एनर्जी को ट्रैप कर रही हैं, ये एक हद तक होंगी ना तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ जो सनलाइट है वो ट्रैप होगी, अगर ये गैसेज ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा कि हमारे पास सारी की सारी सनलाइट जिसने ट्रैप नहीं भी होना था, क्योंकि सारी ने ट्रैप नहीं होना होता, वो भी ट्रैप होने लग जाएगी, उससे क्या होगा कि अर्थ का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम कहते हैं जो इसका हमारा जो गैसेज है ना उनके जो ट्रैप करने का इफेक्ट है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और क्योंकि अब ज़्यादा गैसेस हो गई हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस थी वो ज़्यादा हो गई और उनके ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा सनलाइट ट्रैप हो रही है, और ज़्यादा सनलाइट ट्रैप होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, उस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सबको पता है ये बातें, इसके हेल्थ हैजर्ड्स बहुत बुरे आ रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स इसका क्वेश्चन आता होता है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना, ये हार्मफुल इफेक्ट्स इसके सारे हेल्थ पे, टेम्परेचर आपका जैसे हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से लोगों में सन स्ट्रोक, हीट हाइपरपायरेक्सिया और हीट स्ट्रोक्स जो है, इन सब चीज़ों की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट पेशेंट्स ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक में हो जाते हैं इसमें, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेज जो गर्मियों में फैलती हैं वो ज़्यादा फैलने लग जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गर्मियों में ज़्यादा फ्लरिश करती हैं, गर्मियों में भी नहीं, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, ठीक है, तो हेल्थ पे बहुत सारे इशूज़ आने लग जाते हैं।
जितना वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि आपका जितनी गर्मी ज्यादा होती है उतना पानी खुश्क होता है, एवापोरेट होता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका पानी खुश्क हो रहा है, लेक्स ड्राई हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स वाटर के साथ आ रही है, वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है, पानी नहीं हुआ तो बिजली पैदा नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। कोस्टल रिसोर्सेज, अब आपको पता है हमारे पास, क्योंकि जो आपका सी लेवल है वो उतना उस तरह से बढ़ता जाता है जितनी ज्यादा बर्फ पिघलती है, सारा समंदर का पानी बर्फों से ही आता है ना, अब जितना टेम्परेचर अर्थ का ज्यादा होगा उतनी ही जो आपके माउंटेन्स में जो आपके बर्फ जहाँ पर बहुत ज्यादा होती है वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, उसकी लेयर कम होने लग जाएगी और वो सारा पानी सी में आने लग जाएगा, सी में वाटर ज्यादा होने लग जाता है और आपका बर्फ वाला जो एक तरह का रिजर्वेयर है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस पानी सी में आ गया वो तो इवेपोरेट कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हर चीज है वो खराबी की तरफ जाने लग जाती है, पोलर रीजन्स भी बीच में ही आ गए, माउंटेन्स, माउंटेन्स का मैंने भी आपको बता दिया कि उनका जो कवर है, जो उनका बर्फ से कवर हुआ हुआ है, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होता जा रहा है, 1/10 ऑफ द ओरिजिनल हो गया, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास बहुत सारी चीजें अगर ऐसी ही चलती रही तो कितने आपके आइलैंड्स हैं जो डूब जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा समुद्रों में और बर्फों से सारी बर्फ पिघल जाएगी, तो आपका अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और जंगल बहुत ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, एग्रीकल्चरल क्वालिटी पुअर हो जाती है, तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि हम इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। अब गैसेस हैं कौन सी, यही वाली है जो सारी हमारी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सारी वही वाली जो कि आपके पोल्यूटेंट गैसेज हम नॉर्मली नाम लेते हैं, इनका जो रिलीज है इंडस्ट्रीज से, इनका जो रिलीज है घरों से, डोमेस्टिक एरिया से, जो इनका रिलीज है मोटर व्हीकल्स से, उस सब को कंट्रोल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्टेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, पौधे लगाए जाए, ताकि ये हमारी जो सिचुएशन जिसकी तरफ हम जा रहे हैं जो बहुत खराब है वो ठीक हो जाए। अच्छा, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर किस तरह से की जा सकती है, बस ये इसका आखिरी टॉपिक है और यही आपकी एक जरा समझ देखने वाली बात है। नेचुरल वेज होते हैं आर्टिफिशियल, विंड, जितनी हवा चलती है उतना ही एयर प्योरीफाई होती जाती है, क्योंकि वो जो खड़ी हुई हवा है उसको चलती हुई हवा साथ ले जाती है। सनलाइट में आपके पास आपको पता है कि यूवी रेज होती हैं जो एयर को प्योरीफाई कर देती हैं, रेन इज अ गुड वे टू प्योरीफाई एयर, आपकी बारिश का पानी आता है वो हवा को वैसे ही ताजगी दे देता है, प्लांट्स वैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये तो हो गया आपके नेचुरल वेज, ठीक है। उसके बाद है आर्टिफिशियल वेज कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का मतलब ये कि जहाँ पर आपकी खराब, यानी कि सपोज कोई इंडस्ट्री है जो बहुत पोल्यूटेड एयर पैदा कर रही है, तो वो उस एयर को अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही रखें, उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज करें यानी साफ करें और फिर हवा में रिलीज होने दें, ताकि हवा में जो जनरल हवा है उसमें पोल्यूटेंट्स ना आए, कंटेनमेंट इसको कहते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब ये कि जहाँ पर मसला हो रहा है, जो मसला पैदा करने वाली जगह, यानी सपोज इंडस्ट्री की बात कर लूँ, तो वहाँ पर हम चीज़ों को ऐसी चीज़ों से रिप्लेस करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों और वो आपकी हवा को कम पोल्यूट करें, या फिर आपके जनरल ऑटोमोबाइल्स में जो आपकी गाड़ियां हैं उनमें भी हम फ्यूल को ऐसे फ्यूल से रिप्लेस करें जो कि हवा को पोल्यूट ना करें। डाइल्यूशन इज अ गुड वे, डाइल्यूशन का मतलब ये है कि हम सपोज एक एरिया है जहाँ पर बहुत हैवीली पोल्यूटेड एयर पैदा हो रही है, तो उसके आसपास हम बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पैदा कर दें, हम बेहद प्लांट्स लगा दें, तो प्लांट्स क्या करेंगे कि उस गंदी हवा को भी बहुत अच्छी साफ हवा के पैदा होने की वजह से डाइल्यूट कर देंगे, तो इस तरह से डाइल्यूशन से भी एयर बेहतर हो जाती है। डिसइंफेक्शन हमने बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपके ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर की जो हवा होती है उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, इसके अलावा आपके पास केमिकल्स होते हैं, डस्ट कंट्रोल स्प्रेज होते हैं जिनसे आप एयर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर उसूल होने चाहिए, कानून होने चाहिए, लेजिस्लेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर कानून नहीं होता ना कहीं भी और कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो फिर कोई भी काम नहीं हो सकता, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीज़ों को एक्शन लेंगे तो ही कुछ होगा। वेंटिलेशन एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, वो ये होता है कि आपके पास जो पुरानी खड़ी हुई स्टेगनेंट एयर होगी उसको हम नई ठंडी साफ सुथरी हवा से रिप्लेस करते हैं, उसको वेंटिलेशन कहते हैं, जो नॉर्मली हम कहते हैं कि हम घर में खिड़कियां बनाते हैं इसलिए कि वेंटिलेशन हो, वेंटिलेशन का मतलब ये कि कमरे में जो हवा है जो गंदी हो, वार्म होगी है, जो खड़ी हुई है, जो स्टेगनेंट है, उसको खिड़की से आने वाली ताज़ा हवा रिप्लेस कर देगी, तो दिस इज अ टाइप ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। एक्सटर्नल वेंटिलेशन में ये आता है कि हम खुली जगह हैं, वाइड रोड्स हैं जहाँ पर मतलब खुद ब खुद ही वेंटिलेशन होती है, और जो आर्टिफिशियल या इंटरनल वेंटिलेशन है वो है जो हम ज़्यादातर खुद करते हैं, यानी कि हम जैसे खिड़कियाँ बना देते हैं, हम यही डाइल्यूशन का मेथड इस्तेमाल करें, ऑल दैट, ये वैसे आपसे कभी पूछते नहीं, यहाँ पर एयर खत्म होता है, अभी तक किसी कोई मसला हुई के नास में, थैंक यू।